Hello everyone, let's start our accountancy class. In accountancy class, today we will discuss our continuing topic, that is GST. For practical question, today I am taking a example, illustration number 2. मैंने लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द हाउ टू बैलेंसिंग द अकाउंट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. फॉर मोर क्लैरिटी आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. देखो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल बेटा व्हाट इज द क्वेश्चन. पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ मुकुल राय एंड सन्स. यानी आपके हु आर द प्रोप्राइटर बेटा मुकुल राय एंड सन्स. आपको एंट्रीज पास करनी है. जनरल एंट्री के क्वेश्चंस में हमेशा क्या लिखा होता है बेटा, जनरलाइजिंग द एंट्री और पास द एंट्रीज. मुकुल राय एंड सन्स चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच. यानी रेट ऑफ आपका सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है बेटा आपका 6% ईच. 6% ईच का मतलब है व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी 6%, व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी 6%. टोटल रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इक्वल टू 12%. 50-50% दोनों का है. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. इन फर्स्ट अप्रैल के अकॉर्डिंग बेटा क्या लिखा है. परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी. आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बेटा, आपने परचेज गुड्स कर रहे हो कितने का बेटा 1,50,000 का. नेम गिवन है, इट मीन्स इट इज क्रेडिट परचेज एंट्री. फर्स्ट एंट्री यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा आपका फर्स्ट अप्रैल. ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू. आप किस चीज़ का करें बेटा, आपका सिंपल एंट्री नहीं है. आप क्या करेंगे, व्हेन यू परचेज, व्हाट इज द वर्ड वाई वी आर यूजिंग, इनपुट और आउटपुट. हम इनपुट यूज करेंगे, आउटपुट. व्हेन यू टैक्स पे बेटा यू विल यूज द वर्ड इनपुट. यू आर टैक्स पे के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इनपुट. इनपुट ये सीजीएसटी एसजीएसटी की रेट गिवन है. इट मीन्स दिस क्वेश्चन बिलोंग टू विद इन द स्टेट सेल. इट मीन्स ये इंट्रा स्टेट सेल है बेटा, इंट्रा स्टेट सेल और परचेज है. ठीक है, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू. नेम गिवन है क्रेडिटर का, व्हाट इज द नेम, एस बनर्जी. ये हमारी जनरल एंट्री होगी. आई एम रिपीटिंग अगेन, परचेज अकाउंट टू एस बनर्जी तो सिंपल एंट्री. व्हेन यू परचेज गुड्स, जब आप टैक्स के साथ गुड्स परचेज कर रहे हैं तो बेटा व्हेन यू पे टैक्स तो हमारा जो भी टैक्स का नेम है बेटा उसके साथ वर्ड जुड़ जाता है इनपुट. इनपुट जो वर्ड है इट इज़ यूज फॉर टैक्स पेड. आउटपुट जो वर्ड है बेटा इट इज़ यूज फॉर टैक्स कलेक्शन. तो अब आपका व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज बेटा, 1,50,000 रुपीज. एंड 6% मतलब अगर हम बात करते हैं 6% ईच, तो 1,50,000 का 6% का मतलब बेटा 9,000. तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 1,68,000 फर्स्ट एंट्री होगी. सेकेंड एंट्री सोल्ड गुड्स, आप 150 आपने सेल की है बेटा 2,50,000 की टू आदित्य. आदित्य हमारा डेटर है जिससे हमें पैसे लेने हैं. हमने ये क्या थी बेटा, क्रेडिट परचेज थी और ये क्या है, क्रेडिट सेल. ऑन 6 अप्रैल हमें सेल की एंट्री करनी है. लाइक परचेज विद इनपुट आपने एंट्री करी है क्योंकि हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया गया है. सेम वे बेटा व्हेन यू सोल्ड द गुड्स ना, यू सोल्ड द गुड्स विद टैक्स. आप परचेज के टाइम पे आपने टैक्स पे किया, सेल के टाइम पे आप पब्लिक से कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे. कलेक्ट के लिए जो वर्ड यूज होगा दैट इज कौन सा यूज होगा बेटा, आउटपुट. तो एंट्री क्या होगी बेटा, आदित्य डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट बेटा. दिस एंट्री व्हाट इज द सेल अमाउंट बेटा, 2,50,000. यहाँ 2,50,000 आएगा. आपकी क्या है बेटा, आपकी 6% है आपकी टैक्स का रेट. तो 2,50,000 का हमें क्या करें बेटा, 6%. ठीक है, 6% का मतलब क्या है, 15,000. तो व्हाट इज़ द टोटल, आदित्य से कितने पैसे लेने हैं, 2,50,000 तो सेल का अमाउंट लेना है, 30,000 टैक्स के रूप में लेना है. तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट बेटा, 2,80,000 रुपीज़.
ये सेकंड एंट्री. थर्ड यानी 8th अप्रैल रिटर्न गुड्स, क्योंकि मैंने आज जो एग्जांपल दिया है मैंने क्या बताया, आई एम इंक्लूडिंग द रिटर्न एंट्री ऑल्सो, परचेज रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी. देखिए मैंने जब परचेज की थी बेटा तो आई पेड द टैक्स, तो जब परचेज रिटर्न होगी तो जिससे मैंने परचेज की वो मुझे जितना मैंने टैक्स पे किया था मुझे रिटर्न करेगा. तो परचेज के टाइम पे इनपुट को मैंने डेबिट किया था, परचेज रिटर्न के टाइम पे इनपुट को आप क्रेडिट करेंगे. व्हाट इज़ द एंट्री, रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी, एस बनर्जी मैंने खरीदा था, अब मैंने 10,000 का सामान उसको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया. तो 8th अप्रैल में क्या एंट्री होगी बेटा आपकी, सेम अपोजिट एंट्री, एस बनर्जी डेबिट, परचेज और सेल की बिल्कुल एंट्री डेबिट होती है सेम, डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ परचेज डेबिट है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा. टू इनपुट, आउटपुट वर्ड यूज नहीं करेंगे, इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, अमाउंट पैनल ऐसे मैनेज, कितना सामान, कितने का सामान वापस गया बेटा आपने 10,000 का, तो यहाँ 10,000 6% के नियर अबाउट हमारा कितना हो जाएगा बेटा आपका 600, तो कितना आ जाएगा बेटा 11,200. ओके ये हमारी थर्ड एंट्री. 15th को आदित्य रिटर्न गुड्स, यानी अब हमारे डेटर ने भी हमें सामान वापस कर दिया 8,000 का. जैसे से मैंने परचेज की एंट्री इसकी अपोजिट की है, सेल की एंट्री इसकी अपोजिट करेंगे. व्हाट इज़ द डेट, 15th अप्रैल. सेल की एंट्री यानी सेल डेबिट था, तो सेल रिटर्न क्या होगा बेटा, अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट बेटा, टू क्या एंट्री होगी बेटा आपकी, टू आदित्य, आदित्य को वापस कितने पैसे देने हैं, सेल रिटर्न कितने की हुई है 8,000 की, लेकिन जब हमने सेल किया था टैक्स पे तो सेल रिटर्न भी टैक्स पे होगा 8,000 का बेटा, 6% कितना आ जाएगा 48 रुपीज़, कितना हो जाएगा बेटा 8,960 रुपीज़. ओके दिस इज द 15th अप्रैल एंट्री. 18th अप्रैल में क्या हुआ है, 18th अप्रैल में बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, यानी आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए परचेज किया बेटा, कैश में परचेज किया कितने का आपका 5,000 का. तो आप 18th अप्रैल सिंपल, ऑन 18th अप्रैल बेटा आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, यानी यू परचेज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फॉर ₹5,000 इन कैश. हमें बेटा सारी जनरल एंट्री वैसे ही करनी है जैसे आप सिंपल जनरल करते हो, सिर्फ टैक्स का अमाउंट इंक्लूड करना. लाइक परचेज टू एस बनर्जी तो हम करते ही थे, सिर्फ हमने इनपुट यानी कि टैक्स पे की शामिल कर दिया. आदित्य टू सेल तो होती थी आपकी एंट्री, टैक्स हमने इंक्लूड कर दिया. नाउ इन 18th अप्रैल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन कैश सिंपल एंट्री क्या होगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. लेकिन जब हम टैक्स CGST और SGST के साथ एंट्री करेंगे तो व्हाट इज द एंट्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पे कर रहे हैं इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश. यानी हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने की थी बेटा 5,000 रुपीज़ की, यानी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बेटा कितने की थी 5,000 रुपीज़ की, इस पर टैक्स 6% लगाया तो 300 टोटल कितना अमाउंट आपको कैश पे किया बेटा 5,600 का. नाउ नेक्स्ट एंट्री, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ प्रोप्राइटर यानी मुकुल रॉय सन्स ने अपने घर के खर्चे के लिए 20,000 रुपीज़ क्या निकाले, तो क्या होती है बेटा हमारी ड्राइंग, तो हम ड्राइंग अकाउंट की एंट्री कैसे करते हैं, ड्राइंग टू कैश अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं. लेकिन यहाँ विड्रॉ क्या किया बेटा, गुड्स. तो जब गुड्स विड्रॉ करते हो बेटा सिंपल हमारी जनरल एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, हमारी एंट्री क्या होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. हमारा डेट क्या है 20th अप्रैल, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर हमारा कैश होता तो, लेकिन अगर गुड्स परचेज करते हैं तो क्या लिखा जाता है बेटा टू परचेज अकाउंट. जब परचेज अकाउंट क्रेडिट है तो इनपुट भी हमारा क्या होगा बेटा
क्रेडिट होगा। तो हम क्या करेंगे एंट्री यहाँ पे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा बेटा, टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट, टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, ड्रॉइंग कितने की कितनी है इसने, यानी हमारा परचेज सामान कितने का गया बेटा, 20,000 का। अगर उस पर टैक्स अगर हमारा 6% लगता तो बेटा कितना आता, 1200। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपका, 22,400। लास्ट एंट्री दैट इज गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। जब भी मैंने कहा था गुड्स जब अवे होते हैं बिजनेस से, चाहे वो ड्राइंग की फॉर्म में, चाहे चैरिटी की फॉर्म में, चाहे फायर लग मतलब आग लगने से, चोरी होने से, जब गुड्स यानी सामान का बेटा जब हमारे से नुकसान होता है, यानी सामान का जब नुकसान होता है, चाहे वो ओनर लेके जा रहा है, चाहे हम किसी को चैरिटी कर रहे हैं, चाहे एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में बांट रहे हैं, चाहे हमारा आग लगने से, चाहे चोरी होने से, जब भी गुड्स का नुकसान होता है बेटा, तो हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इफ़ परचेज अकाउंट डेबिट होता तो इनपुट डेबिट था, जब भी परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेटा, इनपुट इज ऑल्सो क्रेडिटेड। तो अब जो लास्ट एंट्री है, सिंपल एंट्री क्या होती है बेटा, लॉस बाय फायर। एंट्री क्या होगी, लॉस बाय, सिंपल एंट्री हमारी होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो सिंपल यहाँ तक तो सेम यही थी, कितने का लॉस हुआ है, 15,000 का। लेकिन अब टैक्स के साथ, क्योंकि सारे गुड्स जब खरीद रहे हो टैक्स के साथ जब भी जाएगा, तो हमें टैक्स का भी तो नुकसान हो गया। अब सेल तो कर नहीं सकते इस सामान को, क्योंकि आग लगने से उस सामान का हमें लॉस हो गया। तो बेटा लॉस भी हम विद टैक्स दिखाएंगे। तो कितने का हमें नुकसान हुआ, 15,000 रुपये का तो सामान गया। बेटा इस पर मैंने टैक्स पे किया हुआ था कितना, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी, 15,000 का 6% कितना आएगा बेटा, 900। तो 16,800 हमारे डेबिट हुए। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया बेटा यहाँ तक। लास्ट में आपके लिखा हुआ है पेमेंट मेड बाय ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ सी जी एस टी, यानी जीएसटी का बैलेंस अमाउंट आप पे कर दो। आप सबसे पहले बेटा पेमेंट की एंट्री, यानी जो रिटर्न ऑफ की एंट्री, हम जो हमारा जितना टैक्स पे किया है उसको जो टैक्स कलेक्ट किया है उससे चार्ज करेंगे। भाई मैंने फॉर एग्जांपल बेटा मैंने परचेज किया, सेल रिटर्न हुआ, जब भी मैंने किया बेटा मैंने टैक्स 20,000 पे किया हुआ है। जब मैंने कस्टमर से लिया बेटा तो जितना मैंने टैक्स कलेक्ट किया है वो मैंने उसी गुड्स पे कलेक्ट किया है। तो जितना मैंने गवर्नमेंट को पहले से पे कर रखा है बेटा वो उसमें से मैं माइनस कर दूंगी और बचा हुआ अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगी। तो ये हमारा बेटा आपका एडजस्टमेंट एंट्री, बैलेंसिंग एंट्री। इसको करने से पहले हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इनपुट इनपुट का अमाउंट अलग कर देते हैं। इनपुट इनपुट कहाँ कहाँ इनपुट वर्ड यूज़ हो रहा है बेटा, इनपुट 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 और लास्ट भी आपका इनपुट इनपुट। तो ये हमारा इनपुट की है। और कहाँ कहाँ आउटपुट यूज़ हो रहा है बेटा, दिस वन आउटपुट, और कहीं पे भी नहीं है। तो ये हमने क्या करना है बेटा, बैलेंसिंग करने से पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले टोटल कर लेती हूँ। इनपुट पहली एंट्री में 9,000 है, इनपुट का टोटल कैसे निकालेंगे बेटा, 9,000 पहली एंट्री का लिख लिया मैंने। दूसरी एंट्री में आउटपुट है, तो आउटपुट को मैं बाद में लिखेंगे, पहले एक बार मैं इनपुट को टोटल कर रही हूँ बेटा। देन इनपुट और कहाँ है, तीसरी एंट्री, इनपुट अगर डेबिट है तो मैंने प्लस में लिखा हुआ है, लेकिन इनपुट अगर क्रेडिट है तो बेटा 600 रुपये जो है वो माइनस के होंगे, क्योंकि 9,000 आपने पे किया था लेकिन 600 रुपये तो वापस मिल गया, तो ये प्लस के ये माइनस के हैं। देन बेटा इनपुट कहाँ यूज़ हो रहा है, इस एंट्री में कितना है, 300 रुपीज़ डेबिट है, तो भी ये भी प्लस का है, हमने पे किया है। देन हमारा क्या है बेटा, इनपुट है ड्राइंग की एंट्री में, ड्राइंग की एंट्री में भी क्रेडिट है 1200 रुपये, तो जो जहाँ पे भी इनपुट क्रेडिट है बेटा वो हमारा माइनस का टर्म है। लास्ट एंट्री में इनपुट फिर क्रेडिट है 900 रुपये का बेटा, तो 900 रुपये बेटा आपका माइनस होगा। तो अब आप पहले आप क्या निकाल लीजिए, इनपुट का टोटल निकाल लीजिए। इनपुट का टोटल कितना हुआ बेटा हमारा, अगर मैं करती हूँ बेटा 9,300 तो मेरा प्लस का है, 9 और 3, और माइनस के कितने बेटा, 600 और 1200 1800 1800 900 कितने हो जाएंगे बेटा आपके, 2700।
यानी आपका 6600 आपके पास क्या है, आपने टैक्स पे किया हुआ है 6600 तो ये किया हुआ है, ये जो है बेटा सेम है, तो जितना इसका टोटल आई सी इतना ही आएगा। मैंने इनपुट को कर लिया बैलेंस, नाउ हम करते हैं बेटा किसका आउटपुट, टोटल आउटपुट का टोटल करेंगे बेटा। आउटपुट दो एंट्रीज में मैंने बताया हुआ कहाँ कहाँ बेटा आपका, सबसे सेकेंड एंट्री में 15,000 एक से सिर्फ आपके इसमें आउटपुट क्रेडिट को वाला हम प्लस करेंगे, डेबिट वाला 480 रुपये क्या करेंगे बेटा माइनस, 480 रुपये माइनस ये है, इसका हम टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15,000 में, तो जाएगा बेटा 14,520 रुपीज़, ये हमारा कितना आ रहा है बेटा 6600। अब एक बार इसका मीनिंग देखिए बेटा, क्या कहता है ये लाइन आपको कि आपने 6600 यानी 6600 रुपये CGST पे और 6600 रुपये ही SGST पे 6600 आपने टैक्स पे किया हुआ है, जबकि कस्टमर से आपने कितना कलेक्ट कर रखा है बेटा 14,520 यानी दोनों अलग, तो आपने कलेक्ट ज़्यादा किया है पेमेंट कम की है, तो इसका मतलब जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग कैसे निकालेंगे बेटा आपका, बैलेंसिंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसका बैलेंसिंग निकाल लेते हैं कि कितना माइनस करेंगे बेटा 6600 इसमें से माइनस हो जाएगा 6600, हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे बेटा, आपका आ जाएगा 9 और 7 7920, हमें क्या करना है बेटा गवर्नमेंट को पे करना 7920 यहाँ से 7920 ही वहाँ से, तो 15,840। अब इसकी एंट्री कैसे करनी देखिए, हम एंट्री क्या करेंगे, जो इनपुट हमने पे किया हुआ है डेबिट हुआ है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, आउटपुट को डेबिट कर देंगे, यानी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट बेटा टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। इसका मतलब क्या है, मैंने आउटपुट की जो डेबिट किया है इसका मतलब मेरे पास कलेक्शन कितने की हुई है बेटा 14,520 ये कलेक्शन हुई है, इस 14,500 में से 6600 ये एडजस्ट करने हैं और इसमें से 6600 ये एडजस्ट करने, तो दोनों में से बेटा जो दोनों का जो डिफरेंस है उसकी एंट्री क्या होगी टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब क्या है, आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट 14,520 में से 6600 लेस करेंगे तो बेटा हमारा 7920 दोनों को टोटल करके मेरा कितना रहा बेटा 15,840 रुपीज़ यू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग एंट्री। हाउ टू द एडजस्टमेंट कैसे करते हो बेटा, जो कलेक्शन की है उसमें से जो पे किया है वो माइनस कर दो और बचा हुआ गवर्नमेंट को पे कर दो, इसे कहते हैं बेटा रिटर्न ऑफ की एंट्री या बैलेंसिंग एंट्री। जहाँ जहाँ से आपने पे किया था वो डेबिट हुए थे, आप एडजस्टमेंट के टाइम पे उसको क्रेडिट कर देंगे, जब जब आपने कलेक्ट किया था बेटा डेबिट किया हुआ, या आपने जब भी आपने कलेक्ट किया था बेटा हमने आउटपुट को क्या कर रखा था क्रेडिट कर रखा था, अब एडजस्टमेंट के टाइम पे उसको डेबिट कर देंगे, तो इसे रिवर्स एंट्री होगी और उसे कहते हैं एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग एंट्री। ओके, नाउ ट्राई दीज क्वेश्चंस, इफ एनी प्रॉब्लम आर यू फेसिंग बाय यू देन कॉन्टैक्ट मी। ओके।